हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। कोमल्स किचन में बनने वाला है डबल चॉकलेट केक, क्योंकि बच्चों और सबकी पसंद चॉकलेट होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, वो भी डबल चॉकलेट केक। चॉकलेट का मज़ा दुगना, वो भी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा केक है। इस तरह का सॉफ्ट सा केक आज कोमल्स किचन में बनने वाला है। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसे मैंने गैस पे रख दिया है। मैंने पैन के अंदर आधा लीटर पानी डाल के रखा है। पानी जैसे अच्छा बॉयल हो रहा है तो हम इसके ऊपर रखेंगे एक बर्तन, कांच का हो या स्टील का, आप कोई भी बर्तन रख सकते हैं। उसके अंदर हमने डाला है मात्र 100 ग्राम चॉकलेट। मैंने डाला है इस बर्तन में 100 ग्राम चॉकलेट। जितना चॉकलेट उतना हम बटर डालेंगे। आज हम बनाने वाले हैं बिना मिल्क मेड और बिना दूध पाउडर के ये केक, वो भी घर के रखे सामानों से। मैंने इसमें आधा होममेड बटर डाला है, आधा हमने मार्केट का बटर डाला है। आप होममेड भी डाल सकते हैं, मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों आधा आधा डाल दिया। यदि आप होममेड डाल रहे हैं सिर्फ, तो उसमें एक पिंच नमक डालना पड़ेगा। तो मेरा आधा सॉल्टेड बटर है, इसलिए मैं यहाँ पे नमक का नहीं यूज़ करूँगी। इसे हमें डबल बॉयल करके मेल्ट करना है। कंटिन्यू इसे आप चलाते रहेंगे तो वहाँ से 2 से 3 मिनट में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है और काफ़ी लिक्विड सा बन जाता है। और आप देख रहे हैं जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो रहा है, वैसे ही चॉकलेट हमारी मेल्ट होती जा रही है। और आप देखिए रनिंग सा हमारा चॉकलेट बन गया है। इस तरह का चॉकलेट हमें आज केक के लिए चाहिए। इस चॉकलेट को फ्लेम से हटा के हमें ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हमें रूम टेम्परेचर का इतना ठंडा करना है। उसी बाउल में मैंने एक छन्नी रखी है। छन्नी में हम डालेंगे 1 कप मैदा, वो भी हमें छान के डालना है। जितने भी ड्राई चीज़ें होती हैं छान के डालने से हमारे केक काफ़ी फ्लफी से बनते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप से थोड़ी ज़्यादा शक्कर। मीठा तो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। आज हम इसमें सोडा का उपयोग नहीं करने वाले हैं। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 छोटे चम्मच कोको पाउडर। यदि आप पास छोटे चम्मच की साइज़ नहीं है तो आप बड़े 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें कोको पाउडर स्वीट वाला यूज़ किया है, इसलिए हमने इसमें शक्कर कम डाली। यदि आपका स्वीट पाउडर नहीं है तो आप इसमें शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सारी ड्राई चीज़ों को हमें इसमें छान लेना है। जितना छान के हम केक बनाते हैं उतने केक हमारे फ्लफी बनते हैं। आप हाथ या छन्नी के सहारे से हिलाते हुए इसे फ्लफी सा इसे हमें छान लेना है। और आप देखिए ये हमने बैटर को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एसेंस, चाहे तो आप वनीला एसेंस डालें या चॉकलेट एसेंस। मैंने यहाँ पे 8-10 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस की डाली है। आपके पास कोई एसेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, रोज है, कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें दूध डालते जाएंगे और इसका फाइन सा बैटर बना देंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा पहले दूध डाला है और इसे हमने एक बलून विस्कर के सहारे से हल्के दूध डालते हुए इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसके काफ़ी लिक्विड नहीं बनाना है हमें, थिक सा हमें बैटर बनाना है। और आप देख सकते हैं मैं बलून विस्कर से आपको दिखा रही हूँ कितना थिक सा मेरा बैटर है। इस तरह का बैटर आज हमें केक के लिए चाहिए। और मात्र 3 मिनट में हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया, मोल्ड को मैंने बटर से पहले ग्रीस कर लिया। उसके अंदर मैंने बटर पेपर डाला है। बटर पेपर डालने से केक आसानी से निकल जाते हैं। और सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। आप इसे चाहें तो कढ़ाई में और चाहें तो ओवन में बेक करें। मैं इसे आज कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो बेक करते समय का डिलीट हो गया है, इसलिए मैं आपको बैक करने का वीडियो पूरा ना दिखा पाएंगे। मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और इसे अच्छे से टैप कर दिया। और आपको दिख रहे हैं ऊपर से बबल्स, यदि हम टैप नहीं करते हैं तो बबल्स की वजह से हमारा केक ख़राब हो जाता है। और आप देखिए हमारा केक 40 मिनट में बन के तैयार हो गया है। इसे मैं मोल्ड से निकाल के दिखा रही हूँ कितना चॉकलेटी सा हमारा केक बना है। चॉकलेट केक सबकी पसंद होता है और निकालने में भी बहुत आसान, क्योंकि हमने इस पर बटर पेपर बिछा के रखा है। इसे एक प्लेट के अंदर आप पलटाएंगे और तुरंत आपका केक ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप देखिए मैंने हल्के हाथों से इसे टैप किया और केक निकल के आसानी से बाहर हो गया। अब हम इसके ऊपर जो बटर पेपर लगाए हैं उसे आसानी से हमें धीरे धीरे करके निकाल देना है। धीरे धीरे निकालिएगा, नहीं तो केक बहुत सॉफ्ट रहता है तो कई बार केक उखड़ जाता है। तो धीरे धीरे हाथों से हमें इस पेपर को हटा देना है। और आप देख सकते हैं कितना चॉकलेटी सा हमारा केक बना है। और आपको उसकी जाली दिख रही है ना, इतना ही सॉफ्ट और स्पंची सा केक आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बताइएगा इस केक के अंदर कौन सा स्टेप आपको मेरा अच्छा लगा।
ताकि हम आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरीके से दिखा सकें। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ग्लेस। मैंने डार्क चॉकलेट लिया, उसके अंदर फ्रेश क्रीम या अमूल क्रीम जो भी आपके अंदर क्रीम है, 100 ग्राम चॉकलेट के अंदर 50 ग्राम क्रीम डाल के ग्लेस बनाया। कई बार मैंने वीडियो में आपको ग्लेस बनाना सिखाया है, कई तरीके से ग्लेस बनता है, ग्लेस से चॉकलेट केक खाने का मज़ा ही दोगुना आता है। अब हमने इसको गार्निश किया है वॉलनट के साथ, आप चाहें तो कैशोनट, आलमंड किसी के भी साथ कर सकते हैं। मैं आपको काट के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और स्पंजी सा हमारा केक बना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये केक कट रहा है। आप अपने मनपसंद आकार से इस केक को काट सकते हैं। इस तरह का केक आप अपने घर पे बनाइए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक हम पहुँचा सकें।